कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो मैं कुर्द कौम है उनके साथ जुम्मा पढ़ता हूँ, यानी इराक़ में, खुतबे के दोनों हिस्सों के आखिर में इमाम साहब जब दुआ मांगते हैं तो लोग भी हाथ उठाकर आमीन कहते हैं। हालांकि हमने ये सुना है पाकिस्तान के उलमा से कि खुतबे को खामोशी से सुनना चाहिए, इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? खामोशी से सुने, आप हाथ उठा के दुआ में शिरकत ना करें, इसलिए कि हमें असलाफ से कहीं ये सबूत नहीं मिलता, मेरे इल्म में नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान सहाबा हाथ उठा के दुआ मांगते थे या आमीन आमीन कहते थे। तो बस आप हाथ नीचे रखें और दिल में आमीन कहें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इमाम जब मिंबर पे आ जाए, फला सलात वला कलाम, तो किसी यानी हर किस्म के कलाम पर पाबंदी लगाई है, तो आमीन भी एक किस्म का कलाम है, तो इसलिए दिल में आमीन कहें, हाथ नीचे रखें। तो हमारे इल्म में ऐसा नहीं है कि ये कोई असलाफ से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें साबित नहीं मिलता ये।